हेलो फ्रेंड्स, मैं एकता आपका अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज मैं बहुत ही टेस्टी, बहुत ही लाजवाब, बच्चों को पसंद आने वाला चीज़ पराठा यानी कि टोमेटो चीज़ पराठा की रेसिपी लेके आई हूँ। ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही लाजवाब होता है और वो भी कम सामान से बना। तो चलिए बनाते हैं टोमेटो चीज़ पराठा। तो यहाँ पर देखिए, मैंने दो टमाटर लिया है, इसको छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। धनिया की पत्ती ली है, उसको कट कर लिया है। हरी मिर्च है, लहसुन है, अदरक है, तो इन सबको मैंने पहले कट कर लिया है। और अब हम इन सबको मिक्सर के जार में डालेंगे और इसका हम पेस्ट बनाएंगे। तो बहुत ही टेस्टी, बहुत ही लाजवाब होता है। यहाँ पर देखिए, सारे चीज़ को हमने मिक्सर के जार में डाल दिया है और अब हम इसका पेस्ट बना लेंगे। तो बस देखिए, इसमें मैंने थोड़ा सा नमक ऐड कर दिया है। तो अब मैंने देखिए भुना हुआ जीरा और 1 चम्मच चाट मसाला डाल दिया है और अब हम इन सब का पेस्ट बना लेंगे। आपको पानी नहीं डालना है, ये सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा क्योंकि टमाटर खुद अपना पानी छोड़ता है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने हल्दी डाल दिया है और नमक डाल देंगे। बहुत ही फटाफट ये पराठे बन जाते हैं और बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तो आपने कई तरह के पराठे खाए होंगे, लेकिन आप एक बार इस तरह से स्टफ़ टोमेटो चीज़ पराठा खाइए, बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही लाजवाब बनता है। तो बस देखिए, इसमें मैं घी डाल दे रही हूँ। घी डालने से जो पराठे हैं बहुत ही करारे बनते हैं। तो बस अब हमको डो लगाना है। इस समय आपको बिल्कुल पानी नहीं ऐड करना है। तो ये सब कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि पानी बिल्कुल ऐड नहीं करना है और इसका परफेक्ट डो बनाना है। अगर डो बनाते समय थोड़ा, अगर आपको 1-2 चम्मच पानी की आवश्यकता लगे तो आप कुछ चम्मच पानी लीजिए। तो बस देखिए, इसमें मैंने कोई पानी नहीं ऐड किया है, फिर भी परफेक्ट डो बन के रेडी हो चुका है। तो अब देखिए, ये एकदम डो बन चुका है। अब इसमें हम 1 चम्मच घी और डालेंगे और ताकि ये ऊपर से भी बहुत सॉफ्ट हो जाए। बहुत ही करारे और बहुत ही टेस्टी पराठे बनते हैं। तो बस देखिए, इस तरह से हमने घी लगा के भी इसको मसल मसल के बहुत ही अच्छे से इसका हम डो तैयार करेंगे। तो ये देखिए, ये डो तैयार हो चुका है और अब हम इसको रेस्ट करने के लिए रख देंगे ढक के। तो इसको इधर 5 मिनट के लिए हम रेस्ट करने के लिए रख दे रहे हैं। अब देखिए, 5 मिनट हो चुका है और ये आटा जो है काफ़ी अच्छे से सेट हो चुका है। तो अब हम इसकी छोटी छोटी लोइयां बनाएंगे। तो बस देखिए, इस तरह से हम इसकी लोइयां बना लेंगे। तो ये देखिए, इस तरह से जितना आप रोटी बनाते हैं जिस तरह से, सेम उसी तरह से आपको ये लोई बना लेना है। तो जितनी बड़ी आप रोटियां खाते हैं, सेम उस तरह से आप इसकी लोइयां बना लीजिए। और अब हम देखिए, आपको दिखा रहे हैं कि ये इसकी लोई बन चुकी है और अब हम इसको थोड़ा सा आटा लगा के इसकी रोटी बना लेंगे। तो आप सोच रहे होंगे कि ये रोटी बन रहा है, नहीं, अभी आप पूरा देखिए, इस तरह से हम इसकी रोटी बेल लेंगे। तो क्योंकि अक्सर जो चीज़ होता है, अगर आप इसमें तुरंत ही भर के बनाएंगे तो बाहर फैलने का डर होता है। तो इस तरह से आप 2 रोटियां बना लीजिए। तो ये देखिए, मैंने 2 रोटी बना लिया है और ऊपर से खूब सारी आप, ये मोज़रेला चीज़ है, इसको हम बहुत ही अच्छे से डालेंगे। जितना अच्छा हम चीज़ डालेंगे तो उतना अच्छा मतलब पराठा बनेगा। और ये जो दूसरा वाला पराठा मैंने बेला था, इसको हम ऊपर से ऐसे डाल के चिपका देंगे। बहुत ही अच्छे से दबा के आप चिपका लीजिएगा। तो ये देखिए, और ऊपर से हम एक बार ऐसे बेलन चला देंगे ताकि एकदम अच्छे से जो पराठा है वो एकदम अच्छे से बने। तो ये देखिए, ये पराठा बन के तैयार हो चुका है। इधर गैस पर मैंने तवा रख दिया था और इस पराठे को सेकेंगे। ये पराठा मैं घी में ही सेकूंगी। तो जब एक बार ऐसे हल्का सा पक जाएगा तो अब हम इसको पलट देंगे। तो ये देखिए, मैंने इसको पलट दिया है, ऊपर से हमने घी लगा लिया है। तो ये देखिए, मैंने ऊपर से घी लगा लिया है। ये सब चीज़ों का ध्यान रखना है कि स्टफ पराठा बनाते समय क्या होता है कि अगर आप भर के बनाएंगे अंदर से तो वो थोड़ा सा चीज़ जो है बाहर आ जाता है, तो उतना बढ़िया पराठा नहीं बनता है। तो आप इस तरह से बनाएंगे, बहुत ही लाजवाब बनता है। तो अब देखिए, अब हम ऊपर से फिर से घी लगा रहे हैं और अब दोनों साइड से बहुत ही करारे पराठे को हम सेक लेंगे। तो
तो बस देखिए, और एक चीज़ का ध्यान रखना है, गैस का फ्लेम आपको लो रखना है। तो लो फ्लेम में ये स्टफ पराठे को बहुत ही अच्छे से सेक लेना है। तो अब देखिए, आपको दिख रहा होगा ये पराठा बहुत ही अच्छे से फूल रहा है। तो ये देखिए, ये बहुत ही अच्छे से पराठा फूल रहा है। ऊपर नीचे करके हम पराठे को सेक लेंगे। यकीन मानिए, बहुत ही टेस्टी पराठा बनता है, बच्चे से लेके बड़े सभी को पसंद आएगा। तो बस देखिए, इस तरह से स्टफ चीज़ टोमेटो पराठा बनके रेडी हो चुका है। और सारे पराठे को हमको इसी तरह बना लेना है। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही लाजवाब बनता है। तो ये देखिए, हम कट करके दिखा रहे हैं, बहुत ही चीज़ी पराठा बना है, बच्चे से लेके बड़े सभी को पसंद आएगा। आई होप कि आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फ्रेंड।